भगवान ये शरीर जो है मानस तन गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य का शरीर जो है सब साधन संपन्न है। से बड़े कर्म जो हमने किए हैं, मैंने नहीं किए हैं, आप ही के द्वारा प्रेरित, आप ही के द्वारा करवाए गए। माया में लिप्त होकर जो है प्राणियाँ हैं आकर सब भूल जाता है कि हमारा क्या कर्तव्य, क्या भगवान से वचन दबाया था हमने। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा वो पाए न जाए पर लोग समान। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, आप देख रहे होंगे आज ये रात्रि का समय है, लेकिन सत्संग के लिए कोई समय की बाधा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जैसे हम हरि नाम के लिए, हरिचिंतन के लिए कोई समय को निर्धारित समय नहीं है। संत जन कह में कि सोते उठते जागते खाते पीते हंसते नहाते धोते किसी भी समय आप हरि को नाम चिंतन कर सकें, हमारे प्रिया जी को नाम ले सकें। तो ऐसे ही ये स्थली है, एक बड़ी दिव्य स्थली है यहीं ब्रज की। तो यहाँ पे हम अक्सर यानी कि ठाकुर जी के दर्शन में और यहाँ पे आते रहे में श्री जी की कृपा से। तो ऐसे ही यहाँ पे एक महाराज जी विराजे हुए हैं, महाराज जी के पास बैठे हुए थे, सत्संग चल रहे हो, और सत्संग चलते चलते मन में अचानक आई कि हाँ, ये तो आप सभी प्रेमियों तक भी पहुँचना चाहिए ये संत भगवान की वाणी, क्योंकि आप भी बड़े संत प्रेमी हैं। तो बड़ी इच्छा हुई कि महाराज जी के कुछ शब्द, कुछ सत्संग आप तक भी पहुँचे। तो भाई भावे लेके महाराज जी के कुछ शब्द लेके आपके सामने आए हैं प्रेमियों, और महाराज जी वहाँ पर विराजे हुए हैं। क्योंकि रात्रि को भी समय है, महाराज जी के विश्राम को भी समय है, पर चूँकि अभी थोड़ा समय है विश्राम में, तो महाराज जी की अनुमति अनुसार अब ये समय थोड़ा सा दिया महाराज जी ने, तो कुछ सत्संग करेंगे। और आप सत्संग सुन के जो आनंद आवे प्रेमियों, आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए, और राधे राधे तो अवश्य ही लिखियो। प्रेमियों, एक विशेष चीज़ मैं आपको आज बता दूँ, हालांकि मैं संतों के विषय में ज़्यादा नहीं जानूँ, मैं एक बहुत अनभिज्ञ बालक हूँ, पर चूँकि संत भगवान ब्रज भ्रमण के लिए चित्रकूट से आए हुए हैं और बहुत ज्ञानी हैं, और संतों की तो भ्रमण यात्रा सदैव चलती रहे, तो आज वो समय बरसाना जी में उनके दर्शन हुए और चित्रकूट से आए भाई। महाराज जी महाराज जी बड़ी कृपा, महाराज जी क्षमा करियो, हम थोड़े सांसारिक जीव हैं, और ठाकुर जी की जी हम भी इस प्रकार के सांसारिक जीवन में व्यतीत कर रहे हैं अपना जीवन जी। जो कुछ बन जाता है टूटा फूटा भगवान को कर लेता है, और बस त्याग करके अपना रह रहा है भगवान की शरण में। राधा जी ने खींच लिया, यहाँ चला आया लाली जी दरबार में, इसलिए यहाँ जी बिचर रहा हूँ। महाराज जी हम जैसे अभी यहाँ से गुजर रहे तो आपके दर्शन हो गए, आप यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। तो महाराज जी थोड़ा सा यानी कि हमें नहीं पता कि संतों की दिनचर्या क्या हो गए और कैसे रमण करें, कैसे ठाकुर जी को भजन करें। तो महाराज जी आपको निवास कैसे यहीं पे ही है कि कैसे कैसे निवास है आपको? नहीं, हम तो वहीं चित्रकूट से आया है, यहाँ घूमता हुआ जी से भ्रमण करता हुआ यहाँ आ गया, लाली के दर्शन किए जी, यह बरसाना अच्छा लगा, से यहाँ जम गया 10-15 दिन से। अच्छा, 10-15 दिन से यहीं पर निवास है। तो महाराज जी जैसे आज के समय में ये तो समय चल रहा है और ठंड भी काफ़ी हो गई, और आपने तो कोई ऐसे वस्त्र भी नहीं पाए भाई, तो अभी तो गुलाबी सर्दी, हल्की सर्दी है जी। जब सर्दी विशेष भीषण पड़ती है तब बात अलग है। महाराज जी हम सांसारिक जीवन हैं, थोड़ी मन में जिज्ञासा है कुछ कि कैसे मन में शांति बनी रहे, जीवन में शांति कैसे रहे, और कैसे कैसे हम भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ें, क्या मार्ग अपनाना चाहिए, कोई सरल मार्ग हो तो महाराज जी कर जो हमारा मार्गदर्शन करो, हम थोड़े सांसारिक जीव हैं, ज्ञान है नहीं अज्ञान ही है। भगवान ये शरीर जो है मानस तन गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य का शरीर जो है सब साधन संपन्न है, और ये मनुष्य का शरीर पाकर के मनुष्य को जो है क्या करना चाहिए, 84 लाख जौन भ्रमण करने के बाद ये शरीर प्राप्त होता है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा वो पाए न जाए परलोक समारा। तो जीव जब गर्भ में रहता है तब विनय करता है, प्रभु मुझे नरक से उबार लीजिए, मैं आपको भजन करूँगा। और जैसे ही
इस सांसारिक माया में चपकता है तो माया लिपट जाती है, और माया में लिप्त होकर जो है प्राणी यहाँ आकर सब भूल जाता है कि हमारा क्या कर्तव्य, क्या भगवान से वचन लगाया था हमने। तो जिस प्रकार से जो है भगवान ने भेजा उसको, मनुष्य को कर्तव्य कि उसको जो है निभाना चाहिए। प्रातःकाल उठ के जो है बताया गया है, प्रातःकाल में सूर्योदय से पहले नहाने से जो है बुद्धि का विकास होता है, और उस समय नहाने से दूध में स्नान करने के बराबर महत्व होता है जी। और सूर्योदय पहले नहाने के बाद नित्य नियम करने में आप बैठ जाइए, भगवान का स्मरण करो जितना बन सके। भगवान का स्मरण करने के बाद, चिंतन करने के बाद, फिर अपने दैनिक कार्य में भी जो कुछ अपनी जीव का कर रहे हो उसमें अपना समय बिताइए, उतना उपार्जन करो जिसमें जो है अपनी परिवार का अपने स्वयं का खर्च कर सके, उपार्जन हो सके। और व्यर्थ की तृष्णा में पड़ने से मनुष्य जो है चिंतित हो जाता है, उसको टेंशन बढ़ जाती है, उसमें सुख शांति नहीं मिलती है। उतना ही उपार्जन करो जितनी सुख शांति मिले। भगवान का जो है सुबह वंदन करो, दोपहर में हो सके दोपहर में नहा के वंदन करो, ना हो सके तो शाम को संध्याकालीन अवसर भगवान का संध्याकालीन के समय जो है उनका स्मरण करो, संध्या करके जो भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमसे सुबह से शाम तक जितनी भूल हो गई है आज तक, अच्छे बुरे कर्म जो हमने किए हैं, मैंने नहीं किए हैं, आप ही के द्वारा प्रेरित, आप ही के द्वारा करवाए गए, मैं आपको उन कर्मों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। बस जिस प्रकार से दुकानदार दिन भर बिक्री होने के बाद शाम को अपना सामान इकट्ठा करता है जी, हिसाब लगाता है, इसी प्रकार हर प्राणी को चाहिए कि सुबह से शाम तक जितने भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, शाम को संध्या करने के बाद एक आसन बैठ के भगवान से प्रार्थना कर लिए, प्रभु जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं आज पूरे दिन में, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, तो उस प्राणी के पाप का प्रायश्चित नहीं लगता है, ऐसा धर्मशास्त्र में बताया गया है। लेकिन नित्य नियम भगवान को अर्पण करते जा, जो अच्छा किया है बुरा किया है मैं आप ही के चरणों में समर्पण करता हूँ प्रभु, ऐसा प्राणी के नियम बताया गया है। और संतोष से परमा सुखा, प्राणी को जो है संतोष सबसे पहला सुख है, संतोष, संतोष ही सब परम सुख को देने वाला है। संतोष ही परमा धर्म, प्रथम धर्म है संतोष। संतोष जिसके अंदर है उसके अंदर जीवन जो है कभी टेंशन में चिंतित नहीं रहता है, उसका जीवन सुचारू रूप से बीतता है। और सुखी मीन जो है नीर अगाधा, जिम हर स्नान एक और बाधा, इस प्रकार से मछली जो है जहाँ अगाध पानी रहता है वहाँ सुखमय जीवन बीतता है मछली का, उसी प्रकार से भगवान की शरण में जाने से जिम हरी शरण न एक और बाधा, सब बाधाएँ दूर हो जाती हैं। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि भगवान का भजन करे सुबह शाम जितना हो सके, वो अपने जीव का पार्जन में बाकी समय लगाते रहे, 24 घंटे में अलग ना हो सके तो एक घड़ी आधी घड़ी आधी में अपने यार जितना समय मिल सके आपको जी। उतना भगवान की चरणों में मन लगा के उनका चिंतन करो, उनका भजन करो। ये जो हम जीवन का सत्य, जीवन को जो है जीवन का जो है कर्तव्य बताया है शास्त्रों में, जीवन को उद्धार भगवान की बिना हर भजन के नहीं हो सकता है। हुमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, संसार सब स्वप्न स्वरूप है, भगवान का भजन ही सत्य है संसार में, इसकी भगवान के भजन का करना बहुत जरूरी है। भगवान का चिंतन चलते फिरते काम करते उनका मन से चिंतन करते रहो, ये नहीं काम ना करो, काम भी करो भगवान का ये चिंतन भी करते रहो, ऐसा बताया गया शास्त्र में। एक जिज्ञासा हो रही कि महाराज जी कि आप कैसे कैसे प्रेरणा भाई कि आप साधु जीवन में आना चाहिए, कितना समय महाराज जी? ऐसा है प्रभु, ये तो बिना हरि की कृपा, बिना हरि के बिन पूरब के पुण्य बिन इस मार्ग पर पैर नहीं रख पाता मनुष्य। जो भगवान पुरुषार्थ कर्म होंगे पूर्व जन्म के, वही मनुष्य जो है सत्कर्म वाला मनुष्य की जब उसके पुण्य उदय होते हैं तब इस सतमार्ग पर पैर रख पाता है। बिना सत्कर्म बिना पुण्य पूरा पुण्य के प्राणी भगवान की भक्ति में कभी नहीं आ पाता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो है निर्मल जन मन जन सो मोह भावा, मोह कपट छल छिलना भावा है, और जो है सन्म हुए जीव मोह जबी जन्म कोट अग्नाशन तभी,
लेकिन प्राणी भगवान के संस्मरण में कैसे आ सकता है? कभी पाप वंश कर से है स्वभाव, पापी आदमी कभी नहीं आ सकता है। पाप वंश कर से है स्वभाव, मोए सन्मुख आओ की काहू। भगवान कहते हैं कि अपनी श्री मुख से कि पाप वंश प्राणी मेरे सन्मुख आ ही सकता है जी। वही आ सकता है जिसकी सत्कर्म होंगे, उसी का उद्धार हो पाएगा। तो मनुष्य को जो है भगवान के भक्ति के रास्ते में मनुष्य को सत्संग करो, सत्संग से जो है पुराने किए हुए पाप सत्संग से नष्ट होते जाते हैं, और सत्संग के मार्ग से ही भगवान भक्ति में प्राप्ति होती है। भगवान भक्ति में के मार्ग में जो है सफलता मिलती है, और भगवान के चरणों में मन लगता है भजन करने का, उद्धार होता है। बड़ी कृपा रही आपकी जो आपने थोड़ा समय दिया सत्संग को, हम पे भी आशीर्वाद बनाए रखें ऐसे ही संतों का दर्शन करते हैं भक्तों का। जय हो। आप सभी प्रेमियों को भी जय श्री राधे राधे। प्रेमियों कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे महाराज जी ने जो दिव्य सत्संग दिया, थोड़ा समय दिया क्योंकि महाराज जी को भजन साधना का समय और रात्रि को भी समय है, तो आप तक ये सत्संग पहुँचो। आपको भी जय श्री राधे राधे। फिर मिलते हैं ऐसे ही दिव्य सत्संग में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।